जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकें। आज मैं आप लोग के लिए बनाने लगा हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी, चलते हैं किचन में, फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। आ चुके हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले डो दिखाता हूँ जो मैंने आपको डो बनाना सिखाई थी। ये देखो, ये है मेरी पिज़्ज़ा की डो। इस पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, पिज़्ज़ा डो के नाम से मेरी चैनल पर रेसिपी है इसकी। उसी इंग्रेडिएंट से बनाई है मैंने वाली पिज़्ज़ा की डो, जिसमें ये प्रूफ अच्छी से प्रूफ हो चुकी है ज़बरदस्त सी। ये फूली भी है, इसको अच्छे से पंच करना है, इसकी सारी हवा निकालता हूँ मैं, इसको बेलता हूँ ज़बरदस्त सा। रोटी बना के मतलब बेलने के बाद जिस भी चीज़ पर मुझे डालना होगा पिज़्ज़ा में, उसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, उसको बेल लेता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं आपसे। जनाब इसके अंदर फैला चुका है मैं पिज़्ज़े की डो को, तवे के ऊपर फैलाया है मैंने, उसके बाद मैं इसको छुरी की मदद से प्रिक करना है ताकि बीच में से ना खुले, साइड में से खुल जाए, साइड में से प्रिक नहीं करना, बीच में से प्रिक करना बस। जी जनाब मैं देखे, मैंने इसको बिल्कुल प्रिक कर लिया है छुरी की मदद से, बीच में से करना है, साइडों में से प्रिक नहीं करना ताकि ये फूले नहीं, बीच में से इसलिए करना, अगर फूल जाएगा तो सारी फिलिंग बाहर गिर जाएगी इस वजह से। तो इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ आपको, ये है रोजमेरी, में बस ये स्प्रिंकल करेंगे, ये है रोजमेरी टॉपिंग के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये मेरे पास ओरिगेनो लीव्स ड्राई वाले हैं, ओरिगेनो लीव्स ये भी स्प्रिंकल होंगे, ये हैं ब्लैक वाले ओलिव, ग्रीन हो तो ग्रीन भी डाले जा सकते हैं, नहीं हो तो स्किप भी कर दें, वैसे पिज़्ज़े के अंदर लाजमी डाले जाते हैं ओलिव्स। और ये रेड वाली चिलीज थी जो मैं कलर के लिए लिए हैं, हो तो वो ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर हो तो डाल दें वरना कोई इशू नहीं है। ये शिमला मिर्च हैं बारीक बारीक चॉप की हैं जूनियन स्टाइल, जूनियन कटिंग में। ये अनियन है कुछ रिंग में कटिंग है, कुछ डाइस में है, और थोड़ी सी क्यूब में भी है। कुटी हुई मिर्चें मतलब रेड चिली क्रश वाली 1 टीस्पून है जो स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। चेडर चीज़ ये कम है, मैं इसके अंदर अभी और डालूँगा। ये मोजरेला, ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने आप लोगों के सामने वीडियो में बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। और चिकन फ्लिंग जो आप लोगों के सामने अपने चैनल पे ही बनाई थी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं चिकन फ्लिंग। अगर चिकन फ्लिंग ये वाली नहीं है तो आप किसी और चिकन फ्लिंग से या कोई भी चीज़ से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी जनाब, जो तवे पे मैंने इसकी अपने डो को फैलाया था, इसको 5 से 10 मिनट के लिए कलर देना है, हल्का सा पका लेना है, इसके बाद हम इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे, क्योंकि हम तवे पर बना रहे हैं, इस वजह से अगर ओवन में बनाते हैं तो डायरेक्टली इसको डाल देते हैं ओवन के अंदर, लेकिन मैं 5-10 मिनट इसको कुक कर लेता हूँ तवे के ऊपर ताकि मेरी डो कच्ची ना रहे, इसके बाद मैं इसको करूँगा टॉपिंग और फिर इसके ऊपर जो भी फिलिंग डालनी होगी वो डाल के फिर मैं आपको बेक करेंगे चेडर चीज़ के साथ। देखिए 5 से 7 मिनट इसको कुक करेंगे, एक साइड से कुक होता है फिर दूसरी साइड से कुक करेंगे। मैं इसको चूल्हे पर बना रहा हूँ इसलिए कुक कर रहा हूँ, अगर आप लोग ओवन में बनाएंगे तो इसके ऊपर फिर उसको कुक नहीं करेंगे, ठीक है जी जनाब। देखिए मैंने हल्का सा इसको सेक लिया है तवे के चूल्हे के ऊपर, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपना पिज़्ज़ा सॉस। इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगाना है पूरे पे। मेरा पिज़्ज़ा बड़ा है इसलिए 4 टेबल स्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस जा रहा है इसके अंदर, कम छोटा आप ज़्यादा वो पिज़्ज़े का डिपेंड करेगा, कितना बड़ा पिज़्ज़ा होगा तो उस पर उतना जाएगा। देखिए पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, अब साइड में मैं इसका केचप ड्रिजल कर रहा हूँ ताकि केचप का फ्लेवर भी आ जाए, स्प्रेड कर देना है स्पून से वापस इस तरीके से। ये हल्के से क्रैक जो आए हैं ये मैंने पलटते वक्त इसको थोड़ा टर्न किया तो थोड़ा सा क्रैक हो गया ये डो।
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी इस वजह से। ये मैंने केचप भी लगा दिया। इसके बाद इस पे जाएगी थोड़ी सी चेडर चीज़। चेडर मैं और ले लेता हूँ कि और थोड़ी कम है ये। चेडर, अब मोज़रेला, ये मोज़रेला डाल दी सारी। डाल दी मैंने पूरी चीज़ इस पर डाल दी। इसके बाद जो मैंने चिकन की फ्लिंग बनाई हुई थी इसकी रेसिपी यूट्यूब पे है। अब ये डाल देंगे चिकन की पूरी फ्लिंग, हर जगह स्प्रेड करना है। चिकन की मैंने फ्लिंग पूरी इस पर डाल दी है। अभी मैं अनियन है रिंग में कटी हुई, ये जो भी आपके पास अनियन जिस तरह भी अनियन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पूरी अनियन जाएगी इस पर। पूरी अनियन चली गई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई जूनियन स्टाइल में, पूरी जूनियन शिमला मिर्च चली गई इस पर कटिंग हुई भी। अब रेड वाली जो है जगह जगह डाल देंगे, कलर्स के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं हो तो नो इश्यू। इसके बाद ऑलिव्स ब्लैक वाले, ये ब्लैक ऑलिव भी चलेगा इसके ऊपर सारे, क्रश कुटी हुई मिर्चें। देखें ये चीज़ है, मैं बस ये मैं इसके ऊपर शर्ट डाल रहा हूँ। ये चेडर है, ये मेरी मोज़रेला है, केटा डाल चुका था, मोज़रेला डाल रहा हूँ उसके ऊपर। आई होप क्या सब लोगों को समझ में आ चुका होगा मैं पूरा पिज्ज़ा का प्रोसीजर। पिज्ज़ा डो की रेसिपी भी अवेलेबल है मेरे पेज, मेरे फेसबुक पे भी, नहीं फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पर। और स्टफिंग की भी है, फिलिंग की भी है, पिज्ज़ा सॉस की भी है, तीनों चीज़ें रेसिपी अपलोड है मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके चेक कर लीजिएगा जिसको मसला हो। देखिए मोज़रेला भी हो गई कंप्लीट। अब इसके ऊपर ओरिगैनो लीव्स क्वार्टर टीस्पून जाएंगे। ओरिगैनो पिज़्ज़ा की जान होती है। इसके बाद नहीं है तो प्लीज़ ले लें, कोई इतना महंगा नहीं मिलता है ओरिगैनो।
ये देख लीजिए, ओरिगैनो छोटा टी स्पून, रोजमेरी ये था ओरिगैनो, ये रोजमेरी स्प्रिंकल, ये रोजमेरी की मैंने लीव निकाल के हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया इस तरीके से। देखें जबरदस्त हो चुका है। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे, मिलते हैं फिर आपसे। जी जनाब, देखें इसको मैं तवे को बिल्कुल रख दिया है, तवे को चूल्हे के ऊपर बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखना है। 5 मिनट तेज़ फ्लेम रखेंगे, कवर कर देंगे इसको, हल्की फ्लेम पे रखेंगे जब तक इसकी चीज़ मेल्ट नहीं होती, जब तक इसको कुक करेंगे, क्योंकि इसकी रोटी जो है पका चुके हैं बिल्कुल, दो को हम बिल्कुल पका चुके हैं, बस चीज़ मेल्ट करनी है। जब चीज़ मेल्ट होती है तो फिर मिलते हैं आपसे। एक मैंने तवे पे रख दिया था, एक छोटा मैंने पतीले के अंदर रख दिया था। मैं पतीले का टेक्सचर दिखाता हूँ कि पतीले का टेक्सचर किस तरह का आया, मैं दिखाता हूँ। पतीले में जो रखा था मैंने, ये देखिए, ओह ज़बरदस्त, पतीले वाला मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये पतीले में रखा था, पतीले का टेक्सचर, पतीले का प्रोसीजर भी यही है, 10 मिनट गर्म करके इसके अंदर वापस कुछ रखने की स्टैंड रखने के बाद इसको अंदर पिज़्ज़ा बना के रखते हैं। तो ये बन चुका है मेरा पतीले वाला, देख लीजिए तवे वाला बनता है, फिर मैं आपसे मिलूँगा। जब तक ये तवे वाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं कटिंग करता हूँ। ये मैंने पतीलियाँ बनाया था, ये मेरा रेडी हो चुका है, छोटा वाला बड़ा वाला बनता था, मैं वो दिखा दूँगा आपको। जी जनाब, हो चुका है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी इसकी रेसिपी। जिसने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मेरे चैनल पे है, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, और चिकन फिलिंग की रेसिपी मैंने चैनल पे डाल चुका हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और जिसको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।